मंडी जिले के छावनी थाना क्षेत्र में 29 अगस्त की रात को एक महिला के साथ एम्बुलेंस में छेड़खानी और उसके पति को ऑक्सीजन हटाकर बाहर फेंकने का मामला सामने आया है। महिला ने लखनऊ के थाना गाजीपुर में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार पत्र में प्रकाशित एक निजी एम्बुलेंस के चालक द्वारा महिला से अभद्रता के आरोप के बारे में बताना है कि 29 अगस्त को अनूप साहनी अपनी बहन और जीजाजी के साथ लखनऊ से सिद्धार्थनगर के लिए एक निजी एम्बुलेंस में निकले थे। इनके जीजाजी का वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। ये जब जनपद बस्ती में थाना छावनी में पहुंचे तो कुछ इनका विवाद हुआ, तो एम्बुलेंस वालों ने इनको उतार दिया। इन्होंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मुजफ्फरनगर के नंबर 2 चुंगी चौराहे पर एक युवक ने महिला और कई अन्य लोगों को काट लिया, जिससे सनसनी फैल गई। राहगीरों ने पीड़ित को बचाया और युवक को पकड़ कर रस्सी से बांधा। पुलिस ने युवक को अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस बुलाई। सहारनपुर के ननौता थाना क्षेत्र के गांव कुड़ाना के शमशान घाट में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक और युवती का शव मिला। युवक की पहचान कुड़ाना निवासी सचिन सैनी और युवती की बड़गांव थाना क्षेत्र के गांव दलडी निवासी के रूप में हुई है। पास में युवक की बाइक भी पड़ी मिली। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जाँच में जुटी है। झांसी के बिजौली में 20-25 महिलाओं ने कचरा डंपिंग यार्ड का घेराव किया। आरोप लगाया कि कचरा निपटान के कारण वो नरकीय जीवन जी रहे हैं। महिलाएं गाड़ियों को अंदर जाने और कर्मचारियों को काम करने से रोक रही हैं, जबकि नजदीकी बस्तियां और स्कूल हैं। उन्होंने नगर निगम और जिला प्रशासन की चुप्पी भर भी नाराजगी जताई। महुआ में बैंक ऑफ बड़ौदा से रुपए निकालने गई महिला के 25,000 रुपए बैंक के अंदर से ही चोरी हो गए। महिला ने रुपए अपने झोले में रखे थे, लेकिन बैंक के अंदर किसी ने चोरी कर लिए। महिला ने बैंक मैनेजर को सूचित किया और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। इस घटना ने बैंक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। 25,000 रुपए निकाल गए हैं। कौन सी बैंक से? बैंक के अंदर से या बाहर से? अंदर। तो आपको जानकारी नहीं हो पाई? नहीं। कितनी देर पहले का मामला है? एक घंटे पहले। हरदोई में मंत्री जेपीएस राठौर ने भाजपा सदस्यता अभियान पर प्रेस वार्ता की और नेताओं को सदस्य बनाने का टारगेट दिया। उन्होंने प्रशासन द्वारा भाजपा पदाधिकारियों के अपमान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशासन के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रशासन ने अपनी सीमाएं पार की तो कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज के परसा वाली थाना क्षेत्र के ग्राम बवनी में वॉलीबॉल खेलने को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने तहरीर देकर न्याय की मांग की है, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। प्रयागराज के फूलपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने 5,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र और विद्यार्थियों को स्मार्टफोन टैबलेट दिए। इस अवसर पर 407 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सीएम ने युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए ऋण और तकनीकी सहायता देने का भी वादा किया। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में 1 सितंबर को चंगेज खान का अपहरण कर चाकू मारकर घायल कर दिया गया। पुलिस ने उसे अस्पताल भेजा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर नाराज मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सीओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की। अब हालात ये है, एक चंगेज खान नाम का लड़का है, होनहार लड़का है इसका, रामपुरा का। उसको वो यहाँ जॉब करने आते हैं। अब साहब उन्हें रास्ते में घेर के उनका किडनैप किया, मौवली सिंह की गाड़ी में डाल करके चाकुओं से गोदा मारा, उंगलियां तोड़ दी और पुलिस 4 दिन हो गए रिपोर्ट नहीं लिख रही है। महोबा में अपर पुलिस अधीक्षक सत्यम की 45वीं बटालियन पीएससी अलीगढ़ स्थानांतरण पर पुलिस लाइन महोबा में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता और जिलाधिकारी मृदुल चौधरी की उपस्थिति में हुए समारोह में अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपर पुलिस अधीक्षक की कार्यकुशलता और नेतृत्व की सराहना की। फिरोजाबाद में जिलाधिकारी रामेश रंजन ने आवास योजना ग्रामीण में चयन प्रक्रिया के कुछ नए नियम लागू किए जाने पर जिले के अधिकारियों संग निर्देश बैठक कर निर्देश दिए। आवास योजना में पहले से लाभार्थियों के लिए पात्रता में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने विस्तार से जानकारी दी। आवास योजना जो ग्रामीण है, उसमें 2024-25 से लेकर 28-29 तक के लिए जो नए लाभार्थियों का चयन होना है, उसके लिए आज ये आप लोगों के साथ मीटिंग की गई थी। तो उसका मेजर पर्पस है कि जो आवास प्लस सॉफ्टवेयर है, उस पर अब नए तरीके से
फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच ग्रामीण जितने एरियाज हैं वहाँ नया सर्वे होगा। सर्वे करने के बाद इनका सॉफ्टवेयर आवास प्लस बना हुआ है, उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगी, ऑनलाइन होगी। तो जो हमारी टीम मौके पर जाएंगे उसमें तो सचिव होंगे, प्रधान होंगे, जिले के अधिकारी और भी लोग उसमें ड्यूटी लगेगी। तो इनके द्वारा अगले 2 महीने में पूरा पूरा सर्वे किया जाएगा। फतेहपुर में लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में उद्यमियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत 2023 अनुदान को पुनः चालू करने की मांग की। हरिद्वार के नरसन ब्लॉक में प्रधान संगठन के चयन के मौके पर पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा की पत्नी रूबी चौधरी को अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने प्रधानों के हितों में काम करने का आश्वासन दिया। आदित्य राणा ने भी पाइपलाइन योजना की कमी को लेकर ग्रामीणों को सुविधाएं दिलवाने का वादा किया। चंदौली में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने जिला अस्पताल की दुर्व्यवस्था के खिलाफ धरना दिया। उनके नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में जलभराव की समस्या और यूपी सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। वीरेंद्र सिंह ने अफसरों को व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेट दिया है और चेतावनी दी कि यदि सुधार नहीं हुआ तो सपा के हजारों कार्यकर्ता धरना देंगे।